हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 17 जो कि है लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड टुडे वी विल गोना स्टडी एवरीथिंग अबाउट जॉइंट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होते हैं जॉइंट्स तो जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज तो कहीं भी हमारी बॉडी में अगर बोन टू बोन कनेक्शन हो रहा है तो उस जगह को आप बोलते हो जॉइंट्स, या फिर बोन्स का कनेक्शन हो रहा है विद द कार्टिलेज तो या तो बोन टू बोन कनेक्शन हो रहा है या बोन टू कार्टिलेज कोई कनेक्शन हो रहा है दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी नोन एज जॉइंट आप उसे क्या बोलोगे जॉइंट बोलोगे क्लियर अब इन आर बॉडी देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट कौन कौन से जॉइंट प्रेजेंट है हमारी बॉडी में नंबर वन वी हैव फाइब्रस जॉइंट नंबर वन वी हैव फाइब्रस जॉइंट नंबर टू वी हैव कार्टिलेजियस जॉइंट एंड नंबर थ्री वी हैव साइनोवियल जॉइंट अब क्या मतलब है इन तीनों जॉइंट्स का देखो कई जगह हमारी बॉडी में ऐसे हैं और कई जगह बोन टू बोन कनेक्शन इस टाइप का है कि जहां मूवमेंट नहीं होना चाहिए अभी तुम थोड़ा सोचो ये तुम्हारे सर है ये एक मेरी फ्रंटल बोन है ये दो पेराइटल हैं ऑसिपिटल ठीक है चार बोन्स मेरी अटैच हैं अब अगर ये बोन टू बोन जो कनेक्शन है बिटवीन फ्रंटल पेराइटल और पेराइटल ऑसिपिटल बिटवीन पेराइटल टेम्पोरल अगर सपोज करो ये फिर इमेजिन करके देखो इनमें मूवमेंट होता तो मूवमेंट अगर इनमें होता तो अभी कंडीशन ये हो रही होती तुम अपने सर को खोल सकते थे बंद कर सकते थे सर को कैसे भी ऐसे 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 घुमा सकते थे मतलब तुम अपने सर के साथ कुछ भी खेल तुम अपने ब्रेन को निकाल के यूँ बाहर मुझे दिखा सकते थे मैम देखो मेरा ब्रेन लेकिन क्या ऐसा होता है नहीं सीधी सी बात यह है कि देयर आर जॉइंट्स जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते हैं एंड देयर आर उसके बदले दो और कुछ जॉइंट ऐसे हैं बॉडी में दो नहीं मतलब बहुत सारे जॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट करते हैं

वो पूछेंगे वॉट इज द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द सूचर्स ऑफ अ स्कल जो हमारे जो होते हैं दे आर बोन्स तो हमारे जो स्कल की बोन्स होती हैं जैसे फ्रंटल पेराइटर ऑस्पिटल इनके बीच में जो ज्वाइंट होते हैं दे आर नोन द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट किसका एग्जाम्पल होते हैं

कार्टिलिनेजियस जॉइंट अदर टाइप ऑफ जॉइंट विद स्लाइट मूवमेंट जो थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का मूवमेंट अलाउ करते हैं दो टाइप ऑफ जॉइंट आर नोन हैज अगर कहीं भी बोन है फिर एक और बोन है सपोज बोन अ बोन अ बोन और इनके बीच में कनेक्ट करने के लिए कार्टिलेज प्रेजेंट है

सो द एग्जाम्पल इज बिटवीन द एडजसेंट वटीब्रा जो आपकी वटिबरल कॉलम होती है हर वटिब्रा के बाद क्या प्रेजेंट होता है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ठीक है एंड दैट कार्टिलेज अलाउ द मूवमेंट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने क्लिनिकल कंडीशन सुनी होगी स्लिप डिस्क स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है तो बस वो यही अगर इधर कुछ इस जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो दैट प्रॉब्लम विल बी नोन एज स्लिप डिस्क ओके okay, तो आप ऐसे मूव करके देख लो अपनी बैक ऐसे फ्रंट और बैक में तो थोड़ा मूवमेंट हो रहा है ना पूरा फुल्ली फोल्ड नहीं हो रहा जैसे हमारा ये एल्बो है नी है शोल्डर है इसकी तरह मूवमेंट नहीं हो रहा बट ये स्लाइड मूवमेंट इज अवेलेबल स्लाइड मूवमेंट हो रहा है सो आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजियस जॉइंट नाउ लेट सी थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट आर नोन एज साइनोवियल जॉइंट तो साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं भैया ये पूरी तरीके से मूवेबल जॉइंट होते हैं मतलब बढ़िया मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं अच्छा खासा बढ़िया मूवमेंट होता है तो साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं हम इन्हें अब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द टू बोन्स क्या स्पेशलिटी है साइनोवियल जॉइंट की तो साइनोवियल जॉइंट की स्पेशलिटी होती है द साइनोवियल कैविटी क्या स्पेशलिटी होती है साइनोवियल कैविटी विच इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूड विच इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूड तो जैसे आपने देखा दिस इज अ बोन यही डाइग्राम देखो ना ये एक बोन है और ये एक बोन है इन दोनों बोन्स के बीच में आपको एक कैविटी दिख रही है एंड सो दिस कैविटी इज नोन है साइनोवियल कैविटी एंड दिस कैविटी इज फिल्ड बाई अ फ्लूड जैसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड क्या बोलते हो ये दो बोन्स है इनमें जॉइंट है एक कैविटी है तो कैविटी को बोलते हो क्या साइनोवियल कैविटी साइनोवियल कैविटी बोलते हैं हम लोग इस कैविटी को एंड द साइनोवियल कैविटी इज फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड तो ये साइनोवेल फूट बहुत सारे काम कर रहा है शॉक एब्जॉर्बशन का काम कर रहा है फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर रहा है कि बोन टू बोन फ्रिक्शन ना हो एब्जॉर्बन का काम कर रहा है अगर बहुत ज़्यादा कुछ जोर से झटका लगता है तो शॉक एब्बॉर्बेंट का काम करेगा साथ ही साथ में इट इज अलाउइंग द फ्री मूवमेंट ऑफ द बोन्स फ्री मूवमेंट ऑफ द जॉइंट ऑफ द बोन्स समाशा ही बात अब कुछ पेशेंट में आपने सुना होगा जनरली आर्थराइटिस आपने एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम आर्थराइटिस तो आर्थराइटिस में मेजरली क्या होता है मेजरली जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनमें फ्लूइड जो है वो खत्म हो जाता है अब जब साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया तो बताओ क्या होगा बोन्स आपस में टकराएंगी तो फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होगा तो देयर विल बी पेन तो बहुत ज्यादा जॉइंट पेन होता है इन द पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस ठीक है तो फिर क्या होता है बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं जिनके थ्रू वापस से साइनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट कर देते हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू उसको ज्वाइंट्स में लगाया जाता है इंजेक्शन और साइनोवियल फ्लूड को वापस से बॉडी में डाला जाता है जिससे थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक करेक्शन आप कर सकते हो तो है? ठीक है तो समझ में आया साइनोवियल ज्वाइंट को साइनोवियल क्यों बोलते हैं ठीक है नाउ इन आर बॉडी देयर आर सेवरेट टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट अब सेवरेट टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट में नंबर वन वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट

टूट टू पोजिशन इन आर बॉडी दट इज शोल्डर ज्वाइंट एंड दिप ज्वाइंटर दिंज तो हिंस क्या होते हैं भाई अगर आपको हिंस नहीं पता तो क्या होता है तो सब अपने गेट देखो अपने रूम का गेट ऑब्जर्व करो गेट में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा रहता है एक पोर्शन गेट से जुड़ा होता है और एक पोर्शन ऐसे करके वॉल से जुड़ा होता है

जो एटलस और एक्सिस के बीच में फर्स्ट और सेकेंड वटीब्रा के बीच में जो ज्वाइंट है विच इज अ पाइवोट जॉइंट ड्यू टू विच यू कैन मूव योर नेक ओके फोर्थ टाइप ऑफ ज्वाइंट इज द ग्लाइडिंग ज्वाइंट ग्लाइडिंग सो ग्लाइडिंग जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल्स जो आपकी कार्पल्स हैं जो आपकी रिस्ट में जितने भी बोन्स प्रेजेंट हैं दे आर द कार्पल्स एंड अगर आप रिस्ट का मूवमेंट कर पा रहे हो इट इज बिकॉज ऑफ द ग्लाइडिंग जॉइंट इन बिटवीन द कार्पल्स लास्टली वी हैव दैडल जॉइंट सैडल जॉइंट तो सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ द थम तो थंब में ये जो यहाँ कार्पल है रिस्ट में और जो मेटा कार्पल है उसके बीच में जो जॉइंट है दिस इज द सैडल जॉइंट मैंने इसको ऐसे याद रखा था कोई मुझे थंब दिखाएगा तो मैं सैड हो जाऊंगी तो सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द मेटा कार्पल एंड कार्पल ऑफ द थंब क्लियर सो दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है अब हम यहाँ इमेजेस देख लेते हैं सबसे पहले आपने देखा शोल्डर और हिप जॉइंट तो एक इसका एग्जाम्पल थे शोल्डर एंड हिप जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसमें एक सॉकेट होता है एक बॉल होती है जिस और इस वाला जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट इट अलाउ मूवमेंट इन 360 डिग्री नेक्स्ट आपने क्या देखा नेक्स्ट आपने देखा हिंज तो जॉइंट होता है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वन एटी डिग्री में मूवमेंट अलाउ करता है तो इट इज प्रेजेंट इन द एल्बो एंड द नीज फिर आपने क्या देखा पाइवोट जॉइंट देखा तो पाइवोट जॉइंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है नेक में बिटवीन एटलस एंड एक्सेस देन फिर आपने क्या देखा सैडल तो सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल्स एंड लास्टली यू हैव सीन दै सॉरी सैडल जॉइंट जो था वो था हमारे थम्ब के मेटा कापल और कापल के बीच में एंड द ग्लाइडिंग जॉइंट विच आर प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल्स ठीक है सो दिस इज एवरी थिंग अबाउट जॉइंट्स ओके कोई भी डाउट भाई तो डाउट्स पूछ लो और सब समझ में आ गया मजा आ गया अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हैं और स्टब अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब थैंक यू एंड कीॉचिंग